अच्छा कोई नहीं महोदय, कहानी है, इनका समय बर्बाद करना चाहते हैं आप। एक एक राज्य का राजा था, सुन लीजिए, एक राज्य का राजा था। वो राजा बना, पहले वो दूसरे राज्य में सेनापति था, छल कपट से दूसरे राज्य का वो राजा बन गया। अब थोड़ा बूढ़ा हो गया था, अब थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका कोई वारिस नहीं था महोदय, उसका महोदय अब जो सहयोगी थे या सिपा सलाहकार थे या उसके कई सेनापति ऐसे थे जिससे बहुत परेशान और ऊब चुके थे। तो एक दिन हुआ क्या कि राजा कहते हैं अपने खास, एक मिनट बचा है, एक कहानी खत्म हो जाएगा, कितना टाइम लग, अपने एक दिन राजा जो है खास सिपा सलाहकार से बात करता कि अब हम ऊब चुके हैं, अब हमसे संभल नहीं रहा है, अब एक काम करते हैं कि कुछ सहयोगी को बुला के, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी राजा का ताजपोशी कर दिया जाए, किसी सहयोगी में से बना दिया जाए। तो एक सिपा सलाहकार को खास को बताते हैं, तो किसी सेनापति को जो है बात पता चल जाता है। वो सेनापति आता है राजा के पास कि ऐसा है, हमको बनाइए, हमको बनाइए, और ब्लैकमेल करने लगता है, उसका पुराना कोई गलती होगा उसको गिनाते हुए। तो राजा बड़ा परेशान हो जाता है, फिर बोलता है भाई हम किसी को मन में मानता है कि हम किसी को अब राजा नहीं बनाएंगे। तो एक उनके सहयोगी कमंडलधारी सहयोगी को बुलाते हैं राजा, अब बोलते हैं भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति, ब्लैकमेल कर रहा है, अब राजा तो हमको बनना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि तुम ही चलाओ राजपाट, हम खाली चेहरा दिखाने के लिए बनते, नहीं तो हमको ब्लैकमेल कर रहा है, अब तुम ही चलाओ राजपाट। तो अब आपका राजपाट चल, बस दो मिनट, इतना तो हम सबको समझ दिए, तो कहानी खत्म हो जाए। तो इतने में महोदय राजपाट चलने लगता है, तो वो अपना आराम करता है, बुजुर्ग हो गया था, और जो कमलधारी जो उनके जो सहयोगी थे वो राजपाट चलाते हैं। तो भाई उनके राजपाट में उन्होंने अपने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का शुरू कराया, प्रतिमाएं लगवाई, उन्होंने भंडारा लगवाना शुरू किया, और राज का कंगाल हो चुका था लगभग, तो कुछ बचा नहीं था। तो अब इतनी बुरी स्थिति होने लगी कि फिजूल खर्चा होने लगा, तो इतनी बुरी स्थिति होगी कि राज का खजाना खत्म होने के समाप्त में। तो राजा और सलाहकार सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि कुछ जो चीज है संपत्ति जो है वो बेच दो, कुछ पूंजीपतियों को जो है उधार के लिए लगा दो। तो ये हुआ, फिर कुछ दिन बोला कि और चलाते रहो, भंडारा लगाते रहो, हलवा पूरी खिलाते रहो। तो एक बार जनता जो है परेशान हो गई, कृषि व्यवस्था चौपट हो गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, सब बर्बाद हो गया, कोई आय नहीं हो रहा, लोग पलायन कर रहे हैं। एक बार राजमहल में जाकर के लोग जो है घुस गए और बोले कि ऐसी राजा जो है अपना पद खाली करे। तो अब ये बात जो है राजा को जाकर के उसका सिपा सलाहकार बताते कि राजमहल में घुस गया भाई। अब राजमहल में तो राजा ने बोला कि भाई अब तो हम बुद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं, हमने एक कुटिया भी बना रखी है, तुम एक कम करो कमंडलधारी जो है वो लेकर के अपना कमंडल लेकर के हिमालय पर्वत चले जाओ, अब जानेगा नया राजा और जानेगी प्रजा, हमको क्या लेना देना। तो महोदय ये वाकई में स्थिति जो है ये बिहार से मिलता जुलता है महोदय। चलिए तो महोदय आप शांत रहे। तो महोदय तो लगता ऐसे ही है कि भाई चल नहीं पा रहे, थक चुके हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वो उसका नहीं मान रहा, वो उसका नहीं मान रहा, आपस में अपने ही दल के विधायक मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं। चलिए अब समाप्त करिए, तो लोग परेशान हो चुके। तो महोदय हम बस चाहेंगे कि भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, किसान, पलायन, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री, महंगाई, आखिर इतना हर शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज में बिहार सरकार फिसड्डी है, और ये बजट का खाली रूप खाली देते जा रहे हैं कि इतना इतना है। जरा जिन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है इस पे ये सटीक जवाब दे, जिन आंकड़ों को हम लोगों ने पूछा है उस पर ये जवाब दे। अब अधिकारी कुछ भी करते रहते हो, लेकिन अधिकारियों का क्या है, सच्चाई है वो सदन में बोले।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। एक मिनट।